कभी सोचा है कि युद्ध के दौरान किसी यात्री का उस स्थान के करीब के शहरों से गुजरना किस हद तक रोमांचकारी रहा होगा, और जबकि युद्ध हमारी सेना ही जीत रही हो? जी हाँ, आज की पुस्तक परिचय में एक यात्री के लेखनी में कारगिल की शहादत, वीरता और गर्व वाले क्षणों का वर्णन है। पुस्तक का नाम है कारगिल, एक यात्री की जुबानी। लेखक हैं ऋषि राज। आप एक अधिकारी हैं, मगर पर्यटन घुमक्कड़पन आपके स्वभाव में है। कैलाश दर्शन सरीखे पुस्तक को लिखने वाले लेखक ने बेहद सिलसिलेवार तरीके से कारगिल के दौरान देश के माहौल, अपनी दिनचर्या और सेना गतिविधियों के विषय में पुस्तक में बेहद सहज तौर पर बात करते नजर आते हैं। कारगिल, द्रास, बटालिक व काकसर की यात्राओं का वृत्तांत पुस्तक में मिलता है, जो कि बेहद उपयोगी है। कारगिल के हर शहादत को पुस्तक में बेहद अपनेपन के साथ बताया गया है। बल्कि लेखक का एक सुझाव भी है कि अगर आपके घर के आसपास कोई शहीद का परिवार रहता हो तो हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, कभी न कभी मौका निकालकर, ताकि उन्हें पता हो कि देश उनके सपूत की कुर्बानी भूला नहीं है। ऐसी तमाम बातें जिनसे हमारा कनेक्शन हृदय का है, आपको 147 पृष्ठ की पुस्तक में मिलेगी। साथ ही 527 शहीदों के नाम, उनके मरणोपरांत सम्मान के साथ ब्यूरोवार पुस्तक में आपको जानने मिलेगा। पुस्तक में लेखक के यात्री स्वभाव अनुसार हर उस यादगार स्थान की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ये वो जानकारियां हैं जिनकी आवश्यकता हमें हमेशा रही है, चाहे वो महावीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं के समाधि स्थल हों या उनकी कुर्बानियों के स्थान। सबकी विस्तृत विवरणी एवं फोटो दोनों ही इस पुस्तक का हिस्सा हैं। युद्ध का साक्षी होना संभव नहीं, मगर ऐसी पुस्तकों से गुजरते हुए, इनके पन्ने पलटते हुए, आप उन सारी यादों के जख्म और मरहम से दो चार होंगे। तो फिर अब मत करिए और इंतजार, अपनी पुस्तक जरूर ऑर्डर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने कहां से मंगवाई है इस पुस्तक को। अब दीजिए अनुमति, मिलती हूँ अगले पुस्तक परिचय में। तब तक करिए हमारा इंतजार। नमस्कार।